भारत में कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए देश को 21 दिनों के लिए लॉकडाउन किया गया है, जिसके चलते अब गरीब लोगों के सामने दो वक्त की रोटी का संकट खड़ा हो गया है। वहीं इंदौर जिले के देपालपुर में प्रेस क्लब अध्यक्ष और वैश्य समाज संयोजक ने भूख से परेशान गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था की है। भारत सहित मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या को लेकर जहां पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया गया है, वहीं इंदौर जिले में कर्फ्यू लगा दिया गया है, जिसके चलते अब आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के सामने दो वक्त की रोटी का संकट खड़ा हो गया है। इसी के चलते देपालपुर के प्रेस क्लब अध्यक्ष दिलीप यादव और वैश्य समाज के तहसील संयोजक मनोज अग्रवाल के साथ मिलकर पूरी प्रेस क्लब टीम के साथियों को लेकर रोटी सब्जी जो भी आवश्यक वस्तुओं को लेकर सर्वे किया गया है और जहाँ जहाँ पर निःसशक्त जन हैं सबसे पहले तो उनके हाथों को सैनिटाइज किया गया। इसके बाद उन्हें भोजन सामग्री उपलब्ध करवाई गई ताकि कोई भी देपालपुर में भूखा न सोए। देपालपुर में और या कहे पूरे देश में, देश के प्रधान ने अगर कोई किसी बात को लेके कुछ कहा है तो उसे हम जिम्मेदारी से निभाएं। उन्होंने कहा 21 दिनों तक अपने घर से बाहर ना निकले और न पहले तो खुद ना निकले, दूसरों को नहीं निकलने थे। इसी बीच आज तीसरा दिन है लॉकडाउन का और कई कमजोर तबके के लोग पास राहत सामग्री नहीं पहुंच रही थी, कई जगह से हमें खबर आ रही थी। इस खबर को, इस बात को लेकर आज हमने वैश्य समाज के जिलाध्यक्ष मर भाई मनोज अग्रवाल के साथ मिलकर व पूरी प्रेस क्लब टीम को लेकर पूरे नगर में रोटी सब्जी और जो भी आवश्यक चीज़ें वस्तुएं उन्हें लेकर पूरे नगर में सर्वे किया और जगह जगह जहाँ निःशक्त जन हैं सबसे पहले तो उनके हाथों को सैनिटाइज किया गया और उन्हें स्वच्छता के बारे में बताया गया। उसके बाद उन्हें भोजन सामग्री उपलब्ध कराई ताकि कोई भी देपालपुर में भूखा ना सोवे। कोरोना महामारी एक लाइलाज बीमारी है जिससे सावधानी बरत कर ही इससे मुक्ति पाई जा सकती है। इसी के चलते पूरे देश को 21 दिनों के लिए लॉकडाउन कर दिया गया है। रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।